हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ प्रिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक हेयर ग्रोथ बूस्टिंग सीरम, जिसको आप इस्तेमाल करोगे तो बालों की ग्रोथ बड़ी तेजी से होने लगती है, क्योंकि इसमें हम इस्तेमाल करेंगे प्याज का। प्याज को इस्तेमाल करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इस हेयर ग्रोथ सीरम को इस्तेमाल करके आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। इससे आपके बालों की जड़ मजबूत होती है, हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे बाल मजबूत बनते हैं। हेयर ग्रोथ तो होती ही है, साथ ही साथ बालों का झड़ना, गंजापन, डैंड्रफ, इन सब की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। बालों की हेल्थ को अच्छा करता है, हेयर टेक्सचर को अच्छा करता है। और अच्छी बात यह है, जब आप शैम्पू कर लोगे, कंडीशनर कर लोगे, इसमें से बिल्कुल भी प्याज की बदबू, स्मेल नहीं आने वाली है। बहुत अच्छा तरीका है ये प्याज को इस्तेमाल करने का, क्योंकि हम बचते हैं उसकी बदबू की वजह से, मगर जानते हैं इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। तो देर किस बात की, इसको बनाओ, इस्तेमाल करो, इसका फायदा उठाओ, बालों को हेल्दी बनाओ, स्ट्रांग बनाओ। मेन चीज ये होती है। और जब बाल हेल्दी और स्ट्रांग हो जाते हैं तो बाल बढ़ते भी बड़ी तेजी से हैं। तो इसको बनाओ, इस्तेमाल करो। और आज की वीडियो अच्छी लग रही है, आज का ये हेयर सीरम अच्छा लग रहा है, तो इसको आप लाइक जरूर करिएगा। मेरी वीडियो को बिल्कुल लाइक नहीं करते हो, लाइक करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर, जिससे वो भी इसको बना के इस्तेमाल कर सके। तो सीरम बनाने के लिए हम सबसे पहले मीडियम साइज की दो प्याज लेंगे, इनको छीलेंगे और इनको कट कर लेंगे। इस तरीके से आप कट कर लीजिए और फिर इसको आप एक जार में डालोगे, क्योंकि इसका हमें पेस्ट बनाना है। तो ये पेस्ट मैंने बना लिया है। अब इसको छलने की मदद से हम छान लेंगे। इसमें आपको पानी ऐड नहीं करना है, सिर्फ प्याज का रस ही होना चाहिए। तो इस तरीके से रस निकल गया है, इसको अभी अलग रख देंगे। अब हमें चाहिए एक पैन। पैन में आप एक ग्लास पानी डालेंगे मेजर करके। फिर इसमें आप डालेंगे 3 चम्मच फ्लैक्स सीड्स, यानी अलसी के बीज। जो हम सीरम प्रिपेयर करेंगे उसके लिए हमें एक बेस चाहिए, तो फ्लैक्स सीड का जेल निकालेंगे और इसका बेस यूज करेंगे हम। पानी में फ्लैक्स सीड्स को मिक्स करके आप इसको रख दोगे फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे बॉइलिंग करनी है आपको, और चम्मच से चलाते रहना है, ये जलना नहीं चाहिए। 8 से 10 मिनट के अंदर आपको खुद ही दिखेगा जो इसका पानी है वो थिक होने लगेगा और जेल जैसा आपको महसूस होगा। तब आपको फ्लेम बंद कर देनी है और इसको ठंडा नहीं करना है, गरम गरम ही इसको छलनी से छान लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये इतना ज़्यादा थिक हो जाता है कि इसको छानना मुश्किल काम है। तो इसको गरम गरम हम छान लेंगे। अब इसको जब आपने जेल छान लिया है तो ठंडा होने के लिए ऐसे ही 10-15 मिनट छोड़ दीजिए। 10-15 मिनट के बाद जेल ठंडा हो जाएगा, फिर इसमें आप डालेंगे 5 चम्मच नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे और फिर इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इसमें आसानी से मिक्स हो जाएगा और ये मिक्स होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। कोकोनट ऑयल हमने मिक्स कर लिया, फिर इसमें हम डालेंगे प्याज का रस, इसको भी मेजर करके डालिए, यानी कि नाप के डालिए। ये भी हम 5 चम्मच ही इसमें डालेंगे, तो 5 चम्मच प्याज का रस भी इसमें डालेंगे और फिर अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। थोड़ा टाइम लगेगा मिक्स करने में, मगर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आपका ये सीरम हो गया है तैयार। इसको आप किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। तो इसको मैंने कंटेनर में ट्रांसफर कर लिया है जो एयर टाइट हो, और फ्रिज में इसको आप 1 हफ्ते तक के लिए स्टोर करके रख सकते हो। इस सीरम को लगाना बहुत ज्यादा आसान है। इसको आप अपने स्कैल्प पे लगाओगे, यानी कि बालों की जड़ों में लगाओगे, पार्टीशन करते हुए, मांग निकालते हुए, पूरे स्कैल्प पे बालों की जड़ों में अच्छे से जाना चाहिए, तभी अपना फायदा दिखाएगा। पूरे बालों में लगाने के बाद बालों को बांध लेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई और फ्रिजी रहते हैं तो आप बालों की लेंथ में भी लगा सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। बालों की जड़ों में इसको लगाइए और फिर पॉलिथीन से कवर कर लीजिए। इसे आपको अपने बालों में 30 से 40 मिनट तक रखना है, ऐसे ही छोड़ना है। और उसके बाद आप पहले पानी से अपने बालों को धोओगे, इस पूरे सीरम को अच्छे से निकालोगे, उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हो। अच्छे फायदे के लिए इसको हफ्ते में कम से कम 2 बार तो जरूर इस्तेमाल करो। और इस सीरम को आप स्टोर करके भी रख सकते हो फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए। इसे मैंने 2 यूज के लिए बनाया है, 2 एप्लीकेशन के लिए बनाया है। 1 एप्लीकेशन मैंने कर ली बालों की लेंथ पे
पे भी लग गया, बालों की जड़ों में भी अच्छे से लग गया। और जो ये बचा हुआ है ये दूसरे यूज के लिए है, इसको बंद करके फ्रिज में रखो और अगली बार इसको इस्तेमाल करो। तो देर किस बात की, इसको बनाओ, इस्तेमाल करो, इसका फायदा उठाओ, बालों को हेल्दी बनाओ, स्ट्रांग बनाओ। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।